नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ड्यूबडी पर। मैं सुमित कुमार, रामदास पास आउट 2021 फ्रॉम बीएससी फिजिकल साइंस विद केमिस्ट्री। और इस वीडियो में हम रामदास के बारे में ही कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने वाले हैं, जिसके बाद आप ये डिसाइड कर पाएंगे कि आपको रामदास में एडमिशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको मैं बता दूं कि आप हमारे साथ टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ ही साथ यार आप ड्यूबडी ऐप को डाउनलोड करना मत भूलिएगा, जिसमें आपको हर एक कॉलेज की सारी इन्फॉर्मेशन, कौन से कोर्सेज हैं, कितनी सीट्स हैं, हॉस्टल है नहीं है, कहाँ पे है। साथ ही साथ आप कॉलेज कंपेयर कर पाएंगे, आप अपनी रैंक देख पाएंगे, प्रिडिक्शन कर पाएंगे कि कौन से कोर्स में आपके एडमिशन होने के कितने चांसेस हैं। ये सब आप ड्यूबडी ऐप में कर पाएंगे, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे अवेलेबल है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और फटाफट वीडियो स्टार्ट करते हैं। रामदास कॉलेज रिव्यू वीडियो। इस वीडियो में हम देखेंगे रामदास की थोड़ी सी हिस्ट्री, फिर लोकेशन, कैंपस, एमिनिटीज यानी फैसिलिटीज, उसके बाद NIRF रैंकिंग, सिक्स्थ आएगा डिपार्टमेंट्स, सेवेंथ और एट्थ में हम जानेंगे रामदास की प्लेसमेंट और इंटर्नशिप्स का क्या हाल है, नाइन्थ, टेंथ, इलेवेंथ सोसाइटीज, इलेक्शंस और एनुअल फेस्ट के बारे में जानेंगे, उसके बाद फेमस एलुमनी, फी स्ट्रक्चर और लास्ट में मैं कुछ अपना एक्सपीरियंस जो मेरा 3 साल का रामदास में रहा है वो आपके साथ शेयर करूंगा। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले है रामदास का मोटो, ज्ञानते प्रतर नहीं, नॉलेज हैज नो कंपैरिजन। हम नॉलेज को किसी भी चीज से कंपेयर नहीं कर सकते। काफी अच्छा लोगो है रामदास कॉलेज का। हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो काफी निराली और काफी प्राउड वाली हिस्ट्री रही है रामदास कॉलेज की, स्टार्टिंग फ्रॉम 1917। उस टाइम पे जो राय केदारनाथ जी हैं, उन्होंने अपने फादर लाला रामदास जी की याद में रामदास कॉलेज को इस्टेब्लिश किया था दरियागंज, जो कि दिल्ली में ही है, और ये पंजाब यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड था उस टाइम पे, ठीक है। और हमारे इंग्लिश वाले सर थे मिस्टर देवराज मुखर्जी सर, उन्होंने ये बताया था कि रामदास कॉलेज जो नॉर्मल क्लास थी ना, मिडिल क्लास या फिर गरीब, उससे नीचे वाले स्टूडेंट्स, उनके लिए इस्टेब्लिश हुआ था। हिंदू कॉलेज जो हिंदू थे और बहुत ज़्यादा रिच क्लास के थे, उनके लिए इस्टेब्लिश हुआ था। और सेंट स्टीफन्स था उस टाइम पे, वो क्रिश्चियन जो स्टूडेंट्स थे उनके लिए इस्टेब्लिश हुआ था। तो यार ये सुन के और भी ज़्यादा प्राउड होता है हमें राय केदारनाथ जी पे, जिन्होंने मिडिल क्लास और जो पुअर क्लास थी उनके बारे में सोची। उसके बाद 1924 में आनंद पर्वत पे शिफ्ट हो गया रामदास कॉलेज, और 1917 से लेकर के 1947 तक, जब तक आज़ादी नहीं मिली तब तक इंडिपेंडेंस की जितनी भी एक्टिविटीज़ हुई थी सब में रामदास कॉलेज के स्टूडेंट्स ने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था। जब आप कॉलेज जाओगे तो कॉलेज में आप ऑडिटोरियम के बाहर देखना कि वहाँ पे एक प्लेग यानी एक पट्टी लगी हुई है, उस पर आपको ऐसे लोगों के नाम मिलेंगे जिनको शायद इतना ज़्यादा हाईलाइट नहीं हुए, लेकिन उनके ऊपर चार्जेस वगैरह जो इंडिपेंडेंस एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने के लगे थे वो सब आपको नाम के साथ वहाँ दिखेंगे। उसके बाद 1950 में रामदास कॉलेज प्रेजेंट लोकेशन में शिफ्ट हो गया, वो है नॉर्थ कैंपस विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन। विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन से आप 5 to 7 मिनट्स में पैदल रामदास कॉलेज पहुँच सकते हैं, या फिर आप ई रिक्शा करके 10 से 15 रुपये में रामदास कॉलेज पहुँच सकते हैं। कैंपस की बात करें तो हम ओवर 25 एकड़ में स्प्रेड है, तो ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, ज़्यादा छोटा भी नहीं है, लेकिन नॉर्थ कैंपस में आई थिंक सबसे बड़ा कैंपस नहीं तो दूसरे नंबर पे रामदास कॉलेज का कैंपस बड़ा है। और फिर नेक्स्ट है एमिनिटीज़ यानी फैसिलिटीज़। फैसिलिटीज़ में फर्स्ट है ऑडिटोरियम। तो यार जो ऑडिटोरियम है वो काफ़ी बड़ा ऑडिटोरियम है और बिल्कुल नया बना हुआ है, 2 या 3 साल पहले शायद इनॉग्रेशन हुआ था, क्योंकि हम जब फर्स्ट ईयर में थे तो उसकी पनिया हमने ही फाड़ी थी, तो बिल्कुल नया है ऑडिटोरियम। उसके बाद कॉन्फ्रेंस हॉल है आपकी कैंटीन के ऊपर, अगर कोई छोटे मोटे इवेंट्स होते हैं तो कॉन्फ्रेंस हॉल में जाते हैं, बड़े इवेंट्स होते हैं, ज़्यादा सिटिंग कैपेसिटी चाहिए तो वो ऑडिटोरियम में ऑर्गेनाइज हो जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम जिम की बात करें तो जिम काफ़ी ठीक है, मतलब एज ए नॉर्मल स्टूडेंट अगर आपको प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग करनी है तो शायद उसके लिए तो नहीं होगी, लेकिन नॉर्मल स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी सही इक्विपमेंट्स हैं। लेकिन दिक्कत है टाइमिंग्स की, ओनली कॉलेज टाइमिंग्स में आप जिम जा सकते हैं, लगभग 9 बजे से 5 बजे के आसपास, और उसके अंदर 1 घंटा लड़कियों का रहेगा, 1 घंटा लड़कों का रहता है, और बीच में दोपहर में शायद 1-2 घंटे का ब्रेक हो जाता है, वो आपको वहीं पे जाके पता करना पड़ेगा। फोर्थ है कैंटीन। कैंटीन काफ़ी सही है, पहले अच्छी नहीं थी लेकिन अभी नया टेंडर उठा है, उसके बाद खाना भी बहुत अच्छा है और रीजनेबल प्राइस है, तो बहुत अच्छी कैंटीन है। फिफ्थ स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ की अगर हम बात करें तो वो भी पहले बिल्कुल अच्छी नहीं थी, ऐसे ही ग्राउंड था पूरा मिट्टी मिट्टी, लेकिन अभी पूरा ग्रीन ग्राउंड है, उसके अंदर आपको बास्केटबॉल कोर्ट मिलेगा, आपको वॉलीबॉल कोर्ट मिलेंगे 2,
और पीछे फुटबॉल ग्राउंड है जिसमें बच्चे क्रिकेट भी खेलते रहते हैं, फुटबॉल भी खेलते रहते हैं, और आर्चरी के लिए भी आपकी फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। और जो आपका पिंक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है उसके अंदर आप चेस और टेबल टेनिस और जिम भी उसी के अंदर है, ये सब कर सकते हैं। आपके कैंटीन के बिल्कुल बाहर है आपका एमपी थिएटर, जहाँ पे डांस वांस ये छोटे मोटे इवेंट्स हैं ये चलते ही रहते हैं पूरे 12 महीने, कभी कुछ कुछ होते रहता है, तो बच्चे खाना खाते खाते अपना मजे लेते रहते हैं। सेवन पॉइंट हम बात करें यार हॉस्टल, बॉयज एंड गर्ल्स दोनों हॉस्टल अवेलेबल हैं, ये काफी अच्छी बात है, लेकिन सीट्स इनकी कितनी है वो आप ड्यूबडी ऐप में एक्यूरेट चेक कर लेना, उसके अंदर अपडेटेड है, लेकिन नियरली 5000 बच्चों पे 200-250 सीट्स आपको बॉयज एंड गर्ल्स की टोटल मिला के या फिर 300 सीट्स के आसपास मिलेंगी, इससे ज्यादा आई डोंट थिंक की सीट्स हैं, सो हॉस्टल वाली सीट्स बहुत कम है, आपको बाहर अकोमोडेशन लेना पड़ता है पीजी या फिर फ्लैट। एट्थ गर्ल्स कॉमन रूम, जहाँ पे टीवी वगैरह लगा हुआ है, अगर आपका कोई फ्री पीरियड है मतलब आपका ब्रेक वगैरह है तो आप वहाँ पे बैठ के अपना टाइम पास कर सकते हैं, एसी वगैरह भी लगा हुआ है। नाइन्थ अगर हम लाइब्रेरी की बात करें तो यार रामजस कॉलेज की जो लाइब्रेरी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, बिल्कुल पुराने ज़माने की आपको फील आएगी, आवाज़ करते हुए पंखे, अनकम्फर्टेबल चेयर और वही टूटे फूटे बेंच आपको दिखेंगे वहाँ पे। मेरा कॉलेज है इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बढ़ा चढ़ा के बताऊंगा, जो सच है वही बता रहा हूँ। साथ ही साथ एनसीसी भी रामजस में अवेलेबल नहीं है, अगर आपको एनसीसी करनी होती है तो आपको बगल वाले कॉलेज केएमसी या फिर खालसा कॉलेज में जाना पड़ता है, अगर वहाँ पे सीट्स अवेलेबल होती हैं तो रामजस के बच्चों को मिल जाती है, नहीं तो आप एनसीसी नहीं कर पाते। नेक्स्ट स्टेशनरी शॉप भी नहीं है, तो छोटा मोटा कोई भी काम होता है भाग के दूसरे कॉलेज जाओ या फिर पटेल चौक जाना पड़ता है, काफ़ी अनोइंग लगता है ये। अब फिफ्थ पॉइंट है NIRF रैंकिंग एंड फैकल्टीज, सो यार NIRF रैंकिंग्स में रामजस पार्टिसिपेट ही नहीं करता है तो नहीं बता सकते कि हिंदू वगैरह से ऊपर है या नीचे है, लेकिन इंडिया टुडे में 7th रैंक आई थी कॉमर्स कॉलेजेस में एंड 10th रैंक थी आर्ट्स में, 17th रैंक थी साइंस कॉलेजेस में ऑल ओवर इंडिया, जो इंडिया टुडे का सर्वे था उसके अंडर। और फैकल्टीज की बात यार मैं अपने अकॉर्डिंग करूँ ना तो बहुत अच्छी फैकल्टीज थी, मतलब हर एक क्लासेज होती थी, टीचर्स मन लगा के पढ़ाते हैं तो फैकल्टीज की दिक्कत आपको नहीं आएगी DU के किसी भी कॉलेज के अंदर, इंफ्रास्ट्रक्चर की आ सकती है, एनवायरनमेंट की आ सकती है, फैकल्टीज की दिक्कत आपको नहीं आएगी। नेक्स्ट आपके हैं कोर्सेज, बहुत ज़्यादा कोर्सेज अवेलेबल हैं यार, तो उनको मैं यहाँ पे अगर एक एक करके बताता तो बहुत बड़ी और बोरिंग वीडियो आती, ड्यूबडी ऐप में सारे कोर्सेज आपको रामजस कॉलेज के अंडर क्लिक करते ही देख पाएंगे आप, ठीक है, वहाँ पे आप चेक कर लेना। नेक्स्ट इंटर्नशिप सेल, जो मतलब स्टूडेंट्स को पढ़ाई लिखाई के बाद यही रहता है यार इंटर्नशिप कर लें जॉब कर लें, सो जो पिनेकल है वो इंटर्नशिप सेल है रामजस की, और यार जो भी डेटा है जो आपको सामने दिख रहा है वही है कि हाईएस्ट स्टाइपेंड इन्होंने 65,000 की कोई इंटर्नशिप दिलाई है और 14 प्लस सेक्टर्स से इंटर्नशिप आई है, 490 प्लस ऑफर्स हैं, नंबर ऑफ रिक्रूटर 360, लेकिन यार ये तो आप देख लेना इसको पोज करके स्क्रीनशॉट लेके, टू बी ऑनेस्ट इंटर्नशिप का बहुत ज़्यादा कल्चर नहीं है रामजस कॉलेज में या DU के किसी भी कॉलेज में इतना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे स्किल बेस्ड कोर्सेज हैं ही नहीं, आपके BA प्रोग्राम हो गया, आपका BSc फिजिकल साइंस हो गया, BSc फिजिक्स ऑनर्स हो गया, तो ये ऐसे कोर्सेज हैं जिनमें आपको एड ऑन कोर्सेज करने पड़ते हैं अगर आप कॉरपोरेट वर्ल्ड के लिए कुछ यूजफुल या प्रोडक्टिव बनना चाहते हैं, तो इंटर्नशिप जो इन्होंने दिखाया है वही डाटा है, आप एक बार पोज करके देख लो, लेकिन बहुत ज़्यादा इंटर्नशिप्स और प्लेसमेंट्स यहाँ पे नहीं होती। सेम जो पिनाकल है वो प्लेसमेंट भी करवाती है, इंटर्नशिप भी करवाती है सेल, तो इन्होंने बताया कि हाईएस्ट पैकेज 19.25 का गया है 2020-21 में, 14 प्लस सेक्टर्स हैं, 84 प्लस रिक्रूटर्स हैं, साथ ही साथ एवरेज पैकेज 5.6 है। इन्होंने ये नहीं बताया कि भाई कितने लोग फाइनली प्लेस्ड हुए हैं, तो ये चीज़ मुझे समझ नहीं आती, और कंपनीज तो काफ़ी अच्छी अच्छी दिखाई हैं, डिलोइट हो गया, मदर डेयरी हो गया, साथ ही साथ बायजस, टॉप हायर, विप्रो, लेकिन प्लेसमेंट इतनी ज़्यादा नहीं है, काफ़ी कम लोगों की हुई होगी, बहुत ज़्यादा लोगों की प्लेसमेंट नहीं हुई होगी, लगभग अगर 1500-2000 बच्चे पास हो रहे हैं तो 100-200 लोगों की भी प्लेसमेंट नहीं होती होगी यहाँ से रामजस कॉलेज से, तो अगर प्लेसमेंट चाहिए तो यार प्राइवेट कॉलेज या IITs NITs ट्राई करो। अब नेक्स्ट आता है सोसाइटीज़, पढ़ाई के साथ साथ पैसन फॉलो करने का चांस आपको सोसाइटीज से मिलता है। फोकस जो है फिल्म एंड फोटोग्राफी सोसाइटी है, रामजस डांस सोसाइटी, म्यूजिक सोसाइटी मिलेंगे, द आर्ट सोसाइटी, सुन्या ड्रामेटिक सोसाइटी,
क्विनाइट्स, द रामजस क्विज सोसाइटी, वर्ड क्राफ्ट जो लिटरेरी की है, डिबेटिंग सोसाइटी है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप डिबेटिंग सोसाइटी ज्वाइन कर सकते हैं एज पर योर प्रिफरेंस। सो सोसाइटीज तो यार आपके जो भी पैसेंस हैं उनके अकॉर्डिंग आपको इसके अलावा भी मिल जाएंगी, इसके अलावा इनेक्टस वगैरह भी हैं। तो इसके अंदर जो ऑफिशियल वेबसाइट पे थी वही मैंने लगाई है, 29 थोड़ा गलत हो गया है, ये पुराने कॉलेज वाली थी वही सेम हो गया, इसको आप हटा देना, लेकिन आपके पैसन के अकॉर्डिंग आपको सोसाइटीज यहाँ पे मिल जाएंगी। अब यार इलेक्शंस की बात करें ना, तो इलेक्शन का नाम ही रामजस होता है डीयू में। अगर आप किसी से भी पूछोगे ना कि सबसे बेहतरीन इलेक्शन कौन से कॉलेज के होते हैं, वो रामजस कॉलेज के होते हैं। पूरा आपको फील दिलवा देंगे कि यार आपके मतलब MLA MP के इलेक्शन के चुनाव है, इतना माहौल, इतना एक्टिवली स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते हैं, एक दूसरे के मतलब रूम पे जाना, उसको कन्विंस करना कि भाई तुम्हारे ग्रुप को हमारी तरफ ले आ। उसके बाद बहुत ज़्यादा सबसे ज़्यादा जो वोटिंग होती है वो भी रामजस कॉलेज के अंदर होती है। सो जो इलेक्शन का माहौल है ना, अगर आपको किसी भी कॉलेज का देखना है तो आप रामजस कॉलेज का देखो, सबसे बेस्ट है वो, भले ही आप किसी भी कॉलेज में हो। और जो प्रेजेंट डूसू के प्रेजिडेंट हैं मिस्टर अक्षित दैया, ही इज़ ऑल्सो पास आउट फ्रॉम BSc फिजिकल साइंस फ्रॉम रामजस कॉलेज ओनली। तो देखो कि कितना महान है रामजस, डूसू के प्रेसिडेंट भी हम निकाल रहे हैं रामजस से। एनुअल कल्चरल फेस्ट होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन यार इन बिटवीन वो रुक जाता है। इसकी वजह यार कि स्टूडेंट्स जितने पॉलिटिकली एक्टिव हैं उतने थोड़े नोटोरियस भी हैं, तो वो बीच में कुछ ऐसा कर देते हैं कि जिसकी वजह से पुलिस वालों को बीच में ही कल्चरल फेस्ट रुकवाना पड़ता है, 2-3 बार ऐसा हो चुका है। लेकिन आई होप कि जो अभी स्टूडेंट्स आएंगे वो काफ़ी सिंसियर होंगे और ऐसी हरकतें नहीं करेंगे, बिल्कुल अच्छे से अपना फेस्ट इंजॉय करेंगे। चलिए अब कुछ नोटेबल एल्यूमिनी देखते हैं जो रामजस से पास आउट हैं। सो ये मनोज वाजपेयी हैं, इनको कौन नहीं जानता, लेकिन इन्होंने एक इंटरव्यू में ये बताया था कि सिर्फ मुझे DTC का फ्री पास मिल जाए इसलिए मैंने रामजस में एडमिशन लिया था, और ऐसे ही ये फेमस एल्यूमिनी बन गए सिर्फ बस पास के चक्कर में। ये फिर सुमित अंतिल जी हैं, इन्होंने पैरा ओलंपिक्स में जेवलिन थ्रो में आई थिंक सिल्वर मेडल लिया था, ये भी रामजस से ही एसोसिएटेड हैं। उसके बाद रणवीर सिंह हुड्डा जी हैं, ये जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक्स CM जो थे हरियाणा के, उनके फादर हैं ये। और ये पेपोन हैं, काफ़ी फेमस सिंगर हैं, आसाम से बिलोंग करते हैं। और ये जो प्रवीण कुमार फास्ट बॉलर हैं, ये भी रामजस से ही एसोसिएटेड या पास आउट हैं। फी डिटेल्स यार, आर्ट्स की फीस जो है वो 12,000 के आसपास है पर ईयर, अलग अलग फीस की डिस्ट्रीब्यूशन थी तो मैंने कैलकुलेट करके 12 से 13 हो सकती है, 11 से 13 के बीच आप लगा सकते हैं, 12,000 अप्रोक्स है। साइंस की फीस आपकी लेबोरेटरी वगैरह की एक्स्ट्रा लग जाती है, कंप्यूटर लैब हो गया, फिजिक्स केमिस्ट्री लैब, उनको मिलाकर के आपकी 16,000 के आसपास हो जाती है। और जो BCom की फीस है वो आपकी 13,000 के आसपास हो जाती है, 1,000 रुपये ऊपर नीचे हो सकते हैं लेकिन इससे ज़्यादा फीस में ऊपर नीचे नहीं होगा। तो फीस काफ़ी मिनिमल है रामजस कॉलेज की, किसी भी स्ट्रीम में आप एडमिशन ले रहे हैं। लास्ट ईयर अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूं तो काफ़ी अच्छा और बहुत कुछ सीखने को मिला है मुझे रामजस कॉलेज से। इलेक्शन से हमारी कॉलेज लाइफ स्टार्ट हुई थी कि भैया इसको इलेक्शन वोट देना, इलेक्शन में इसको देना। उसके बाद इलेक्शन में बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ कैसे बोलते हैं लोगों के सामने, ये सब चीज़ें हमने वहीं से सीखी। और यार इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं तो थोड़ा सा हिंदू और हंसराज से नीचे हो जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज, लेकिन ओवरऑल मुझे तो बहुत पसंद आया। लेकिन अगर आप हिंदू, हंसराज और रामजस में पूछेंगे तो आप लास्ट में रामजस को ही रखेंगे, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर हिंदू और हंसराज का थोड़ा अच्छा है। और फैकल्टीज यार हर एक कॉलेज की अच्छी होती हैं, तो लेकिन फिर भी आप उन्हीं को ट्राई करना क्योंकि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है। KMC का इंफ्रास्ट्रक्चर तो अब रामजस से भी डाउन गया, तो KMC को आप इन चारों में लास्ट प्रिफरेंस रखना। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर बीइंग विद मी। आई होप मैंने सारे एस्पेक्ट्स रामजस कॉलेज की इस वीडियो में कवर किए हैं। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताना, अगर कहीं पे मैं अटक गया तो उसको यार माफ कर देना, काफी बड़ी वीडियो जाती है तो कुछ कुछ चीजें गलत हो सकती हैं। साथ ही साथ अगर आपको कोई भी डाउट है टेलीग्राम पे पूछ सकते हो, और DUBD ऐप को यार आप डाउनलोड कर लो। मुझे नहीं लगता कि उस ऐप को डाउनलोड करने के बाद आपके मन में कुछ डाउट्स बचने वाली है। हर एक इन्फॉर्मेशन को हमने बिल्कुल खोल के रख दिया आपके सामने, कौन सा कॉलेज अच्छा है, कौन से कॉलेज में आपका एडमिशन हो जाएगा, कौन सा कॉलेज आपको प्रिफरेंस में चूज करना चाहिए, हर एक चीज का आंसर आपको DUBD ऐप में मिल जाएगा। धन्यवाद।